तो मेहरबान कदरदान खाने वालों की खानदान। तो गाइस इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ए स्पेशल से। तो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक नया वीडियो में। आज बिल्कुल मैं कुछ नया लेकर आया हूँ। आप ये मत कहना ये चिकन तंदूरी है, फ्राइड चिकन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कुछ अलग है। मैं वीडियो की एंड में इसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बस दोस्तों रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो प्लीज़ आप बताना मत भूलिएगा आप कहाँ से देख रहे हो। मैं जानता हूँ आज मेरी शक्ल चिकन की वजह से शायद उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बड़े एग्जस्ट करके मैंने इसको सजा के रखा है ताकि अच्छा दिखे। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत करता हूँ फिर से एक नया वीडियो में पूरे दिल से। तो सबसे पहले गाइस चिकन ले एक पीस को, तो इसको रख लेने के लिए इसको यहाँ रखना पड़ेगा। इसको देख लो गाइस शक्ल, ठीक है। तो ये लेते हैं पहला बाइट। आप, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक बार सिर्फ मेरे कहा मान के सिर्फ एक बार इस रेसिपी के ऊपर घर पे ज़रूर ट्राई करना। आप चिकन की सॉफ्टनेस देखो। देखा तो गाइस पहला लेग पीस ख़त्म, अब दूसरे की बारी है, ठीक है। लुक दिस, तो आओ जी। आज मैंने क्या बनाया इसे। देखो गाइस मज़ा आ रहा है ना, देखो। ऑब्वियसली इतने अच्छा बने बने चिकन अगर सामने रख दिया जाए तो किसको मज़ा नहीं आएगा। तोड़ने से पहले टूट रहा। आप लोग बस वीडियो को एंजॉय करो। ओ भाई टूट जाए यार, ये हड्डी सच में हमेशा बीच में रहता है। ओहो, तो गाइस नंबर थ्री, लुक एट दिस। आओ बबुआ।
हो रे, अरे बाप गया भाई। आप यही सोच रहे हो ना कि मैंने इतना अच्छा सॉफ्ट चिकन बनाया कैसे। डोंट वरी, वेट कीजिए, अभी बताता हूँ मैं। वैसे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इस तरीके से अगर आप चिकन खाते हो ना, तो 1 किलो चिकन आप आराम से खा लोगे, पता भी नहीं चलेगा सच्ची में। आप यही सोच रहे होंगे ना कि वीडियो तो इतना जल्दी ख़त्म हो गया। नहीं नहीं गाइस, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसको यहाँ रखते हैं, ओके, और बड़े वाले को लेते हैं भाई, जरा। अरे कैसे शुरू करो भाई। ये जो चिकन मैं खाया, ये पूरा 1 किलो था। आज मच्छर काट रहा है फिर से। तो गाइस, आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस पीस को नहीं खा सकता, ऑब्वियसली खा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था ना पिक्चर अभी बाकी है। चलिए कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों के साथ, ये सब कुछ हटाता हूँ, कुछ नया लेकर आता हूँ। तो मेहरबान कदरदान, खाने वालों की खानदान, तो गाइस इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ए स्पेशल से। तो आओ भैया, आओ आ जाओ। दिस इज ए चिकनकारी, ये रहा गाइस, और दिस इज ए, हो गया, इसको साइड में करते हैं, ठीक है, पहले से निपटते हैं, ओके। और गाइस, दिस इज ए बंगाली डोसा, और हमारी भाषा में हम इसको शोरा पेठे भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको डोसा बोल सकते हैं। तो गाइस चलो चिकन करी के साथ डोसा को ट्राई करते हैं। वैसे मुझे पता है चिकन करी के साथ डोसे का जो टेस्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसके साथ प्याज, सच कहूँ तो मैं 1 किलो चिकन आज कैसे खा गया मेरे को समझ में नहीं आया, सच ही बता रहा हूँ। जो चिकन खाया था ना, वो चिकन खाया था इससे पहले, आज आराम से खा गया और पता ही नहीं चला।
आज तो मज़ा आया होगा ना, प्लीज़ ज़रूर बताना। ओके ये मुझे बहुत पसंद है। और अगर थोड़ा सा गर्म होता ना गाइस, ये थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा सा गर्म होता ना तो इतनी गजब की लगते हैं कि मतलब पूछो मत। एक और बचा हुआ है, इसको भी करते हैं फिनिश और फिर आपको साथ रेसिपी को शेयर करते हैं, पिछली वाला चिकन का। ओके, ये जो डोसा है ना ये बिल्कुल आसान है। सही है पीसीस। मिर्ची बहुत है। तो गाइस अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और मेरी रेसिपी में आपको किंतु क्यों कुछ नहीं मिलेगा, एकदम कट टू कट क्लियर बता दूंगा और सारे चीज़ आपके घर पर ही होगा। ओके, सबसे पहले आपको मतलब जिस चिकन को आपका इस तरह से बनाना है आप उसको पीसीज वगैरह कर लीजिए। अब आते हैं मसाला के बारे। देखिए आउटडोर से कोई मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पट पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा अदरक का, थोड़ा सा प्याज की पेस्ट और दो हरी मिर्च। ठीक है, आप इन सबको मिलाकर साथ में थोड़ी सी कटी हुई नींबू का रस मिला दे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, और हो सके तो एक चम्मच दही मिला लीजिए। अब इन सबको मिला मुला कर आधा घंटा के लिए बाहर से घूम के आइए, आधा घंटा बाद आइए। सबसे पहले मतलब कढ़ाई हो जो भी आपके घर पे हो फ्राई वगैरह करने के लिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाली है और जो पीसेस वगैरह है धीमी आंच में उसको ऊपर रखी है और उसको ढक दीजिए और 5 से 10 मिनट उसको कुक करिए। मतलब जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी हिस्सा है चिकन का, उसको फ्राई करना है, क्योंकि इस तरीके से फ्राई करने से सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा है वही फ्राई होगा लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमें 5-10 मिनट इसी तरह से हल्का धीमी आंच में फ्राई कर लेना है सारे चिकन को। ठीक है, पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद एक बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद आपने वो डोसा मेकर तो देखा होगा, अगर वो नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक पतीले में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और अगर छेद छेद वाला कोई जाली वाला कोई नेट हो कुछ भी हो उसको ऊपर रखी है और जितने भी चिकन का पीसीस है ना वो सब उसको ऊपर रख दीजिए। और एक ऐसा बर्तन लीजिए ताकि पूरी तरह से कवर हो जाए, मतलब हवा बाहर ना सके, उसको ऊपर ढक दीजिए। ठीक है, और 10 से 15 मिनट बिल्कुल 15 मिनट धीमी आंच करके उसको छोड़ दीजिए और भूल जाइए। और फिर नहा धो के घूम फिर कर आइए। फिर परिवार के साथ कच्चे प्याज को काट कर थोड़ा सा नींबू निचोड़ना बस निचोड़ दीजिए और आराम से बैठ के चिकन का आनंद लीजिए। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा ताम झाम नहीं है, ये लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बार ट्राई करके देखना, दिल दिमाग तबीयत सब खुश हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो आप सबको पसंद आए होंगे। गाइस देखो ऐसा है, मैं आप लोगों से फ्रेंडली बातें करता हूँ, फ्रेंडली सब कुछ शेयर करता हूँ, अपने दिल की हर एक बात आपसे बताता हूँ। कभी किसी का भी आज तक झूठ नहीं बोला और शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है कि ये इतना खुल के बात कर रहा है। जैसे अदर्स यूट्यूबर क्या करते हैं, पैशन के साथ आते हैं, हाय गाइस आज देखो मैं ये खाने वाला हूँ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चुपचाप खा के निकल लेते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं भी ऐसे कर सकता था लेकिन मैं क्यों नहीं करता। मैं चाहता हूँ सब सब लोग तो एक दिशा में भाग ही रहा है
है ना, तो मैं उस दिशा में क्यों भागूँ, राइट? तो मुझे थोड़ा सा अलग भागना चाहिए, इसलिए मैं अलग दिशा में भाग रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मन जो है थोड़ा सा अलग है। क्योंकि अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, कभी मौका अगर मिलेगा तो मैं समझाऊँगा नहीं, दिखा दूँगा डेफिनेटली कि हाँ मैं किस टाइप का इंसान हूँ और मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। सो प्लीज़ साथ बने रहिएगा, इस सफ़र में मेरा साथ दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और कभी दुखी मत होइएगा। दो पल की ज़िंदगी है, मुस्कुरा के जी लीजिए, कल का क्या भरोसा दोस्तों, इसीलिए खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।